सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी। आज का टॉपिक है सजेस्टेड, जो कि एक प्यारे से सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया है कि क्या आपके क्रश को पता है दैट यू लाइक दैम। डू योर क्रश नो अबाउट दिस कि हाँ, आप उन्हें पसंद करते हो, आप उनके प्यार में हो, आप उनके दीदार के लिए तरसते हो? लेट्स सी, आज हम देखने वाले हैं। ओके, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक बोल रही थी मैं, आई डोंट नो। सो यार, टॉपिक है बहुत ही प्यारा एंड लेट्स सी कि क्या आपके क्रश को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप उन्हें लाइक करते हो। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। ओके, इट्स नॉट अ पाइल पिक अ कार्ड रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट होगी। ठीक है, सो यार थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए। थैंक यू माई फैमिली, थैंक यू सो मच। प्लीज एंजल्स, मुझे बताएं। देखो, आप अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करते हो और मुझे लगता है ना कि वो अच्छा रहेगा मास मीडिया के लिए, तो मैं उसे ज़रूर बनाती हूँ। ठीक है, सो यू कैन सजेस्ट। अगर मुझे अच्छा लगा कि हाँ भाई ये अच्छा रहेगा, तो मैं वो ज़रूर लेके आऊँगी। ओके, सो प्लीज़ टेल मी एंजल्स, टैरो कार्ड, प्लीज़ टेल मी कि क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश जानते हैं कि मेरे व्यूवर उन्हें पसंद करते हैं? क्या मेरे व्यूवर्स के क्रश को पता है कि हाँ मेरे व्यूवर्स उन्हें पसंद? ओह माय गॉड, क्वीन ऑफ कप्स, यस दे नो अबाउट दिस डियर, दे नो अबाउट दिस, दे नो। ओह माय गॉड, स्टार कार्ड, टू कार्ड्स आर हियर, ओह माय गॉड, तीन बार कन्फर्मेशन आ गई है। क्या चाहिए अब? मुझे नहीं लगता मुझे और कार्ड्स निकालने चाहिए, बट मैं निकालूंगी ज़रूर और कार्ड्स। बट या मुझे ऐसा लग रहा है आप वो हो, उन पर्सन्स में से हो जो चुपके से देखते हो। एंड ऐसा नहीं है कि आपकी क्रश पे आपको क्रश है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, उन्हें आप पसंद नहीं है। विद द स्टार कार्ड है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ये कार्ड बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई यस, अट्रैक्शन और एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मुझे ये दे रहा है। सो ये डबल कन्फर्मेशन हो रही है कि उन्हें बस यही नहीं पता है कि आप उन्हें लाइक करते हो, इनफैक्ट दे लाइक यू टू। ठीक है, वो भी आपको पसंद करते हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन यस, आपकी जो है ना, क्या बोलूँ मैं, द वे यू स्टाइल योर सेल्फ, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, एंड जिस तरीके से आप अपने आप की केयर करते हो, दे नो अबाउट दिस, आई मीन दे लाइक इट। एंड वन मोर थिंग, जब आप उन्हें नोटिस कर रहे होते हो ना, तो उनका बिहेव है ना और भी ज़्यादा, वो क्या बोलते हैं, एकदम चेंज हो जाता है, और एकदम वो और भी ज़्यादा अच्छे से अपने आप को ये दिखाते कि हाँ मैं बहुत स्टाइलिश लग रहा हूँ, लग रही हूँ, यस। मतलब आपको देख के जब उनको पता लगता है ना, यस आप उन्हें नोटिस कर रहे हैं, तो उनका बिहेव ऑटोमेटिक ऐसा हो जाता है कि आप उन्हें और ज़्यादा नोटिस करें। एंड दे लाइक इट कि आप उन्हें जो है अटेंशन देते हो, दे लाइक इट। अगर आप उन्हें एक दिन अटेंशन ना दो, तो उन्हें ये लगता है वाई आज क्यों नहीं देख रहा ये पर्सन मेरी तरफ, आज क्या बात हो गई है, आज क्यों नहीं मुझे नोटिस कर रहा है ये पर्सन। और ऐसा होगा सामने वाला क्या बोलते हैं, साइड की नज़रों से आपको देख रहा होगा। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि सामने वाला नज़रें उनकी कहीं होंगी, लेकिन ध्यान सिर्फ आप पे होगा कि आप उन्हें देख रहे हो या नहीं, नोटिस कर रहे हो या नहीं। और इट कुड बी एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। एंड यस, मुझे पता नहीं, मुझे इनके ऐसा लग रहा है कि अगर ये किसी से बात कर रहे हैं ना, या फिर आप किसी से बात कर रहे हो, तो इनके कान अगर ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वर्क कर रहे हैं, लैपटॉप पे कर रहे हैं, या नोटबुक में कुछ काम कर रहे हैं, किसी से वैसे किसी के पास खड़े हो और आप भी साइड में हो, आप किसी से बातें कर रहे हो,
सो इनका ध्यान उस कन्वर्सेशन पे नहीं होगा जो कन्वर्सेशन ये किसी के साथ कर रहे होंगे, इनका ध्यान आपकी बातों पे होता है कि आप बोल क्या रहे हो, आप किस तरीके से बोल रहे हो। इनफैक्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिस तरीके से आप बोलते हो, डिलीवर करते हो अपनी बातों को, दे लाइक इट अ लॉट। इनफैक्ट उनको ये है कानों को सुकून मिलता है। ओह वाओ, सो दे फील लाइक कि आप एक एंजल हो। डजंट मैटर आप यहाँ पे फीमेल है मेल है, दे फील लाइक कि आप एक एंजल हो जो जो बहुत ही अच्छी है या अच्छा है। दे नो अबाउट इट, यस कि हाँ आप उन्हें नोटिस करते हो, आप उनके बारे में बातें करते हो। दे नो अबाउट इट कि आपकी कन्वर्सेशन, पता है उन तक है ना ये बातें पहुंच जाती हैं कि अगर आप उनके बारे में कुछ बात कर रहे हो ना तो उन तक ये बातें पहुंच जाती है। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने अगर आपने अपने क्रश के बारे में ये बोला कि अरे यार तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो उन तक ये बात है ना पहुँच जाएगी, कैसे भी पहुँचेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ पहुँच जाते हैं उनसे उन तक ये बात। या आपके एजुकेशन फील्ड में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपको सोशल मीडिया पे मिले हूँ, ऐसा हो सकता है मे बी कोई फेमस स्टार हूँ, मे बी कोई फेमस यूट्यूबर, फेमस इंस्टाग्राम पे हूँ, ठीक है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फेमस हो सकते हैं कुछ के लिए, कुछ के लिए अदर कंट्री में, कुछ के लिए गवर्नमेंट जॉब पे हो सकते हैं, बुक्स वगैरह से कुछ रिलेशन हो सकता है आपका, साथ में पढ़ते हूँ, आपको पढ़ाते हूँ, आपके गाइड हूँ, ऐसा हो सकता है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है जिया विद क्वीन ऑफ कप्स, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों नजर आ रहा है कि आप ही उन्हें नोटिस नहीं करते हो, वो भी आपको नोटिस करते हैं कि आप उन्हें नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मैंने ना एक बहुत टाइम पहले एक कविता लिखी थी, आई शेयर, ठीक है बहुत जल्द मैं शेयर करूंगी आपके साथ। शायद वो ये है कि तारीफ भी कम पड़े तारीफ में तुम्हारी, ऐसी क्या तारीफ करूं जिससे तारीफ लगे तुम्हारी, ऐसा कुछ है। तो ये ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप उनकी इतना बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो, सो इस वजह से आपको ये रहता है कि क्या तारीफ़ करूँ, मुझे तो तारीफ़ में वर्ड्स ही नहीं मिल रहे हैं। ये इश्क का हाल है ना, बुरा होता है बहुत, और मुझे ऐसा लगता है आप तो बिल्कुल लट्टू हो इन पे। सो यार दे लाइक यू, खैर और कुछ देख लेते हैं। एंड मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप मे बी उनके फोटोज, उनके वीडियोज उन्हें ऑनलाइन स्टॉक करते हो, अगर ऐसा आपकी एनर्जी है तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है कुछ हद तक उनकी भी एनर्जी है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कोई ना कोई ऐसा जासूस जरूर है जो आपकी आप जो उनके लिए फील करते हो वो बातें उन्हें बताता है जाके, या फिर नजरें ही काफी है, नजरों से नजरें मिली। हाँ वो हाल होता है आपका कि उनकी नजरों से नजरें मिली और उन्होंने आपको एक पल देखा क्या, आप बेहोश हो जाओगे, ऐसे वाली एनर्जी। कौन है भाई, तोबा तोबा, इतना प्यारा कि भाई आप इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो उनसे। इफ यू आर अ गर्ल हियर, इट्स अ मैसेज फॉर यू, दे लाइक योर, क्या बोलूं मैं, वो आपके है ना क्या बोलते हैं, शेप कह लीजिए, ठीक है आपकी, आप जिस तरीके से हो, आपकी हाइट कह लीजिए, ठीक है आपके हैंड कह लीजिए, ठीक है आपकी नेक कह लीजिए, आपका आपके मुंह का साइज कह लीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट उनका ऐसा लगता है परफेक्ट है आप, या ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बट मुझे उनकी भी एनर्जी नज़र आ रही है। द वर्ल्ड कार्ड,
क्या बोलूँ मैं, मुझे ये बता दो, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे क्या बोलना चाहिए। यू कैन सी मेजर आर्कानाज आर हियर, फोर कार्ड्स एंड फोर के फोर मेजर आर्कानाज। सो यस दे नो अबाउट इट कि आप उन्हें लाइक करते हो, यस दे नो अबाउट इट कि आप उन्हें पसंद करते हो, यस डेफिनेटली, और यस वो भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि आप उन्हें कॉन्टेक्ट करें। भाई क्या ही अट्रैक्शन है आप दोनों के दरमियान, है ना, क्या बोलते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। आई एम सीइंग अ फिजिकल अट्रैक्शन, लॉट्स ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन हियर, नॉट इन अ नेगेटिव वे, बट ये है कि हाँ बहुत सुंदर है सामने वाला, एंड दे फाइंड यू ऑल्सो वेरी स्वीट, वेरी क्यूट, वेरी वेरी काइंड, वेरी लाइट हार्टेड पर्सन, वेरी लविंग पर्सन। आई डोंट नो वाई, मैं अगेन कहूँगी ऐसा कोई ज़रूर है जो आपके साथ है, लेकिन उन तक इंफॉर्मेशन जाती है कि आपने उनके बारे में आज क्या बोला। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कोई ड्रेस डाल रखी है, ठीक है, आपके क्रश ने, ठीक है, आपने बोला हाय यार क्या कितना अच्छा लग रहा है यार, सच में क्या ही कितना अच्छा लग रहा है, और अगले दिन है ना, अगले दिन तक उनको है ना ये बातें पता लग जाती है कि आपने उनके बारे में ये चीज़ें बोली हैं। देखो द डेविल कार्ड इज अट्रैक्शन इतनी है ना कि मैं बता नहीं सकती। आप ये मत सोचो कि सामने वाले को पता नहीं है, सामने वाला अट्रैक्टिव नहीं है, आप उन्हें उनको है ना आपकी अटेंशन की आदत हो गई है, लिखवा लीजिए, बिकॉज मेजर आर्कानाज हियर, ठीक है, फाइव मेजर आर्कानाज, यू कैन सी द डेविल कार्ड। पर ऐसा हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ के लिए ऐसा हो सकता है, सामने वाला है ना कुछ आपके लिए फीलिंग रखता हो विद क्वीन ऑफ कप्स कार्ड, एंड उस पर्सन पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले आप हो, अकेले आप हो ऐसा नहीं है कि जो उन पे क्रश है, कुछ और लोग हो सकते हैं, एंड दे आर जेलिस कि सामने वाला आपको ही भाव क्यों दे रहा है, अटेंशन आप ही को क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं दे रहा, हम भी तो उन पे क्रश रखते हैं भाई। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसपे सिर्फ आप क्रश नहीं रखते हो, कोई और भी है, एंड दे आर जेलिस। सो मैं आपको बताना चाहूँगी, प्लीज़ बी सीक्रेटिव अबाउट योर क्रश और लव, बिकॉज दुनिया की नजरें ना बहुत खराब है, कब रिश्ता खराब कर दे पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। आपके सामने रूड रहते हैं ये पर्सन, आपको दिखाते भाई मैं तो बहुत ज्यादा खड़ूस टाइप ऑफ पर्सन हूँ। मैं हंस इसलिए रही हूँ क्योंकि मुझे भी किसी पे क्रश था एक टाइम पे, एंड मैं उन्हें खड़ूस बोलती थी, ये खड़ूस है एकदम खड़ूस कहीं का। सो पता नहीं, मुझे जब ये कार्ड मैंने देखा ना वेद कि हाँ भाई आपको ऐसा लगता होगा सामने वाला बहुत स्ट्रिक्ट है, और आपने उनका कोई निक नेम रख रखा हो खड़ूस, कुछ बट्टूलाल पता नहीं कुछ भी, मैं देखो मैं वैसे रैंडम बता रही हूँ, इट कुड बी पॉसिबल वो आपने रखा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन यस दे लाइक यू, इट्स अ कन्फर्मेशन। सो या लेट्स सी नाउ गाइडेंस फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि अब आप ये पूछे कि अगर मुझे लाइक करते तो क्या मुझे बताएंगे वो, मतलब मुझे भी लाइक करते हैं वो, मुझे पता लग गया, हाँ उन्हें पता है मैं लाइक करती हूँ उन्हें या करता हूँ, तो वो क्या मुझे थोड़ा सा अटेंशन देंगे। मेरी बात सुनिए, सामने वाले को आपके अटेंशन की हो गई आदत, वो आपको तब देखते हैं, या कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा आपको देख रहे हैं और एकदम से आपकी नज़रें मिली उनसे, तो उन्होंने देखा अरे अरे इसने तो देख लिया मैं इसको देख रहा हूँ या देख रही हूँ, एकदम से अपनी साइड में नज़रें कर ली, और फिर ऐसा बिहेव करते हैं कि अरे मैंने तो देखा ही नहीं आपकी तरफ। वाह भाई वाह, मुझे ऐसे बताओ, देखो ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है किसी किसी के लिए। आपके पैर पे किसी के दाने हैं क्या, या बहुत तिल है आपके बॉडी पे पैरों पे, या बाल है बहुत पैरों पे, ऐसा कुछ है, इट्स अ कन्फर्मेशन। या आपके हाथ में कोई टी का सिंबल बनता हो, जे का सिंबल बनता हो, सामने वाले का नाम जे से हो,
डीजे, वी ए से हो, ऐसा कुछ है कि आपको नोबिता और एक और होता है सुजुका से आए तो उनका कोई याद आती है इन्हें देख के, उनके रिश्ते की? लेट्स सी गाइडेंस नाउ. अगर आप यहाँ पे लड़के हैं ना तो आपके पैरों पे कोई ना कोई निशान जरूर होगा, जन्म से होगा या बाद में होगा. सेल्फ लव डियर, यू नीड टू सेल्फ लव, यू नीड टू डू सेल्फ लव, ठीक है? बिकॉज आई एम सीइंग हियर कि आप है ना ये समझते हो कि मैं कम हूँ सामने वाले से, मैं कम हूँ सामने वाले से, या आपके क्रश जो है आपके, आप सोचते हो कि आप आपके क्रश जो है ना वो ज़्यादा सुंदर है. भाई सुंदर होंगे मैं ये नहीं बोल रही, बट दैट्स नॉट मीन यू आर नॉट ब्यूटिफुल, यू आर ऑल्सो ब्यूटिफुल. सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ स्टीम इश्यूज, ठीक है? विजडम. सो यार मुझे ऐसा नज़र आ रहा है मे बी आप कोई डांसर हो सकते हैं, मे बी आप कोई क्रिएटिव हो सकते हैं, मे बी आप कोई ना कोई क्रिएटिव हो पर्सन, यहाँ पे क्रिएटिव पर्सन हो या आपके क्रश हो सकता है. और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है विजडम, तो आपके क्रश या आप बहुत ज़्यादा ऐसे हो सकते हैं कि भाई विजडम हो जिनके पास. आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 हो सकती है, 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकती है या सामने वाले की हो. आपकी एज 22 हो सकती है, 28 हो सकती है, ठीक है, 24 हो सकती है, 26 हो सकती है. किसी किसी के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि भाई किसी किसी के लिए हो सकती है कि भाई 30 हो, नॉट फॉर एवरीवन, बट या किसी किसी के लिए यहाँ पे 20 भी हो सकती है. वाओ. सो यार दैट्स ऑल फॉर यू. आप आई होप कि आपको आपका आंसर मिला होगा. यस दे लाइक यू, दे लाइक यू अलॉट. यू कैन सी आज पहली बार ऐसा हुआ है मैंने कोई रीडिंग की है और उसमें 5 कार्ड निकाले, 5 के 5 मेजर आर्कानाज आए हैं. ये पहली रीडिंग है एंड आई एम शॉक्ड. वाओ, थैंक यू एंजल्स, थैंकफुल टू यू, थैंक यू टैरो, थैंक यू ऑल द पावर्स आई हैव, थैंक यू. सो यार दैट्स ऑल फॉर यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी पता लगे कि उनके क्रश उनको पता है क्या कि उन्हें पसंद करते हैं, यानी या फिर उन्हें पता है कि नोटिस कर रहे हो आप उन्हें. सो यार दैट्स ऑल फॉर यू. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. इफ यू वॉन्ट योर पर्सनल रीडिंग तब मुझसे बात कर सकते हैं. बाय, लव यू, टेक केयर.